इस क्वेश्चन में कह रहा है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो खुले परिपथ में जो सेल के सिरों के बीच का विभवांतर होता है वो होता है विद्युत वाहक बल, मतलब E बराबर 1.5 वोल्ट। और जो बाह्य प्रतिरोध है वो कितनी है, 10 ओम। ठीक, प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.2, तो V इक्वल टू 1.2 वोल्ट। ठीक है, विद्युत परिपथ बनाकर सेल के आंतरिक प्रतिरोध एवं, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो विद्युत परिपथ बना दिया। ठीक है, ये कितना है, 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध आर मान लेते हैं, बाह्य प्रतिरोध 10 ओम। ठीक है, अब देखो इसके सिरों के बीच की वोल्टता वी, वी कितनी दे रखी है, 1.2। तो हम इस परिपथ में धारा निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम धारा निकाल सकते हैं I। अब I निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, V बराबर E माइनस आई आर। ओहो, यहां तो I और R दोनों अननोन है, तो हम क्या करें, आई और आर दोनों अननोन है, चलो भी निकल जाएगा, सब कुछ ट्राई करेंगे। बी बराबर कितना है, अच्छा हाँ ये निकालना तो बहुत आसान है। ये जो विभवांतर जो इस सेल के सिरों के बीच है वही तो इसके सिरों के बीच भी होगी ना, तो निकाल लो धारा, 2 मिनट का काम है। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, तो वोल्टता कितनी, 1.2 इक्वल टू आई इंटू आर कितनी, 10। तो आई बराबर कितनी आ गई, 1.2/10, मतलब आई बराबर 0.12 एम्पीयर। अब आ गया वी बराबर 1.2 इक्वल टू ई कितना, 1.5 माइनस 0.12 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, इसे उठा के इधर ले आते हैं और इसे इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.12 R इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2, तो 0.12 R इक्वल टू 0.3। पॉइंट हटाओ, 1 0 बढ़ा दो, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, R बराबर 30/12, तो कितना हो गया, 5/2, मतलब 2.5 ओम। क्लियर, तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया 2.5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध हो गया 2.5 ओम, और धारा कितनी हो गई, 0.12 एम्पीयर। अब ये 0.12 एम्पीयर ही तो पूरे में फ्लो करेगी ना, इस 10 ओम के प्रतिरोध से भी वही धारा होगी। क्लियर,